अस्सलामु अलैकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। इस एपिसोड में हम लोग वैंकूवर आइलैंड से वापस वैंकूवर जाएंगे, रात स्पेंड करेंगे और अगले दिन हम अपनी आरवी कलेक्ट करेंगे। अब हमारा सफर जो है वो माउंटेन्स की तरफ शुरू होगा। माउंटेन्स जो हैं ये बचपन से ही मेरा पैशन रही हैं। अगर मैं कहूँ कि माउंटेन्स आर माई फर्स्ट लव देन ये गलत नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं। हम इस वक्त शॉर्ट्स बे से वैंकूवर जा रहे हैं फेरी पे। आते हुए स्ट्रीम भी क्लाउडी था, अब इस वक्त सनी है, थोड़े से बादल होगा। इस वक्त छोटा सा एरिया है जिसके अंदर से ये इतनी बड़ी फेरी जो है ये मुड़ रही है। दोनों तरफ छोटी छोटी हिल्स हैं और दरम्यान में छोटा सा चैनल है। डीप एरिया जो है वो सिर्फ मिडल में है। वी जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द पिकअप पॉइंट फॉर आवर आरवी। सो दे विल बी पिकिंग अस अप एट 11 o'clock एंड देन द रियल एडवेंचर स्टार्ट्स टुडे। हमारा सेकंड लेग ऑफ द जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा सफ़र आरवी में होगा और हम आरवी में ही रहेंगे और इसी में ट्रैवल करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई कैंट वेट टू शेयर दिस जर्नी विद यू ऑल। इस हाईवे का नाम है सी टू स्काई। ये समुद्र के साथ से शुरू होती है और ऊपर पहाड़ों में चली जाती है। सी टू स्काई हाईवे पे हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम रात गुजार सकें। मैप में थोड़ी देर आगे एक प्रोविंशियल पार्क नजर आ रहा है, सो लेट्स ट्राई कि हमें वहां अगर जगह मिल सके। हम लोग अभी इस कैंप साइट पर पहुँचे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है। इस जगह का नाम है पोर्टियोको प्रोविंशियल पार्क। वी मेड इट जस्ट इन टाइम टू कैप्चर द सनसेट। ये देखें, ये अपने ट्रिप पे निकले हैं, अपनी 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने और बर्तन धो के सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आरवी में। कैसा लग रहा है? इनकी लग रहा है 100 साल तो यही काम कर रहे हैं। इस रोटी एग एंड सलामी ऑमलेट अनियन ऑमलेट और सलामी। मैं अपनी कैंप साइट से ये बीच एरिया पे जा रहा हूँ। तो ये लॉग्स जो हैं ये ड्रिफ्ट होके आए हैं यहाँ पे। कॉल्ड पोर्टियोको प्रोविंशियल पार्क राइट ऑन द सी टू स्काई हाईवे। इट्स चिली राइट नाउ सो वी आर रेडी टू गो नाउ। ये हमारे आरवी से व्यू था। हम लोग अब पोर्टियो कोव से निकल रहे हैं। इस वक्त बजे हैं 8:38। सो वी विल गो टू शैनन फॉल्स नाउ। Thank you.
दिस इज शैनन पॉल फ्रॉम डीसी. के जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो यहाँ हुए थे. उस जगह का नाम है विस्लर. बहुत ही खूबसूरत छोटा सा टाउन है जो माउंटेन से घिरा हुआ है. यहाँ हम चंद घंटे गुजारेंगे और फिर हम अपना सफर आगे जारी रखेंगे. यहाँ हमने दो माउंटेन्स के दरमियान स्की लिफ्ट चलती है जो हमने करनी थी, लेकिन वो आज बंद है. सो देयर इज नो पॉइंट, वी विल नॉट स्टे द नाइट इन विस्लर. इस जगह का नाम नेम्स फॉल्स है. हाँ, 20-25 मिनट की हाइक पे बहुत ही खूबसूरत दो आबशारे हैं. शाम होने वाली है लेकिन वी आर स्टिल गोइंग टू गिव इट अ गो. फिर जब हम हाइक से वापस आएंगे देन विल सी के हम लोगों को यहाँ अगर कोई कैंप साइट मिलती है तो वहाँ रहेंगे या फिर कोई जंगल में जगह ढूंढ के हम बून टॉक करेंगे आज रात. ये मेन लोअर फॉल है और जो दूसरी अपर फॉल थी उसकी वीडियो पहले मैंने बनाई है. नेचर इज सो पावरफुल, सो पावरफुल. हमारी कैंप साइट है और ये हमारा इधर का व्यू है और ये हमारा इधर का व्यू है, ये हमारा बैक का व्यू है. लुक एट दैट व्यू. हम लोग अपना डिनर तैयार करने लगे हैं और डिनर में बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं ब्राउन राइस और इसके साथ बन रही है एंगस बीफ स्टेक और इसके साथ होगा सैलड. सिंपल रेसिपी, ओनली लेमन डाला है इसमें, काली मिर्च डाली है और नमक डाला है, दैट्स इट. सो आई एम गोना लीव इट फॉर सम टाइम. उसके बाद मैं ज़रा सा बटर डाल के इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ पकाऊंगा और ये रेडी हो रहा है. अब जो राइस है so here is the final product, beautiful salad, rice or angus beef. let's enjoy. ye subah subah ka view hai hamari site se. 7 baje hain aur roshni ho rahi hai, thode badal hain. ek chhota sa bahut khoobsurat sa camper hamare saath wali site pe maujood hai. ye hamari और भी ये हमारा सेटअप है. छोटी सी कैंप ग्राउंड है, आज इसका आखिरी दिन है. ये कैंप साइट आज क्लोज हो जाएगी. सो यू आर लकी इनफ टू गेट अ प्लेस हियर और स्पेशली ऑन द बैकिंग ऑन टू द वाटर. दिस वाज द लास्ट वन, आखिरी जगह थी जो ये हमें मिली है. नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद आज फिर लॉन्ग डे है. हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लिलुएट के एरिया में जाएंगे. वहाँ 3 लेक्स हैं, सो उसकी हाइक अबाउट 2 घंटे अप एंड 2 घंटे डाउन है. वो करेंगे हम
उसके बाद हम लोग फर्दर जाएंगे वेल्स ग्रे प्रोविंशियल पार्क. इस जगह का नाम है नैन प्रोविंशियल पार्क, NAIR NAIN, हाउ टू से. और कल यही वाटरफॉल हम करके आएंगे जहाँ से ये पानी आ रहा है. सिंपली ऑसम. ये कनाडा में पहला हैंडपम्प है जो मैंने यूज़ किया है, और ये ड्रिंकिंग वाटर है. हालांकि इसका कलर जो है वो इतना साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पानी बेहतरीन टेस्ट का है. सी दिस पम्प इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर ओनली, प्लीज डू नॉट यूज़ इट फॉर वॉशिंग योरसेल्फ और डिशेस. हम लोग अपनी कैंप साइट से निकल रहे हैं अब नेक्स्ट स्टॉप के लिए. इट्स 8:20 इन द मॉर्निंग और हमारे पास अब 6 घंटे की ड्राइव है, 6-7 घंटे की, और उसके अलावा हम लोग रुकेंगे काफ़ी जगह पे. सो इट्स गोना बी लॉन्ग डे. आज हमने ड्राइवर चेंज कर दिया है. आज जनाब बेगम साहब ड्राइव कर रही हैं और मैं साथ में बैठूंगा. और चूंकि यहाँ पे खड्डों में से गुजर रहे हैं तो हमारी आरवी जो है रैटल कर रही है, जगह जगह ठक 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 हो रही है. It'll get better as soon as we hit the road. ये हमने 2 दिन में सफ़र किया है. ऑल्दो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने बहुत से स्टॉप किए हैं और बहुत सी जगह देखी हैं. इस वीडियो में हम यहीं से आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे. Pretty.